सब्सक्राइब करें न्यू कृति बुटीक चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस लेकर के आया हूँ। इस ड्रेस का नाम है गाउन। तो जो ये हम ड्रेस तैयार करेंगे ये फुल लॉन्ग वाली होगी, फ्लोर लेंथ वाली होगी। इसकी लेंथ 55.5 होगी तैयार। और इसमें हमने कलर कॉम्बिनेशन और डिजाइनिंग इस प्रकार करनी है। यहाँ पे एक हमने गोटा लिया हुआ है, गोटा पट्टी, ये हम डिजाइनिंग में देंगे। और एक हमने गोटे वाली लेस ली हुई है, एक हमने यहाँ पे फैब्रिक लिया हुआ है सिल्क वाला, जो कि हमें डिजाइनिंग में यूज करना है। और डिजाइन हमारा इस प्रकार का होगा। यहाँ पे ये मैंने थोड़ा ड्रॉ किया हुआ है। ऊपर की साइड हमारा वी बनेगा, राउंड वी गला, और ये अंगरखा स्टाइल में जाएगा यहाँ तक नीचे तक। और जो इसके बीच वाली पट्टी होगी ये पट्टी होगी हमारी मजेंटा कलर की। और इसके ऊपर करेंगे हम गोटा पट्टी का और लेस का काम, बहुत सुंदर सा ये डिजाइन बनाएंगे। और नीचे हम कलियों वाला ये गाउन तैयार करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के लिए नाप जान लेते हैं। यहाँ पे मैंने नाप नोट किया हुआ है। ये लेंथ हमने 55.5 रखनी है और ब्रेस्ट का नाप होगा 20, वेस्ट का नाप होगा हमारा 17, बाजू 18 और ओपनिंग होगी 11 इंच, और गला फ्रंट का 7.5 होगा, बैक का 8 इंच होगा। इस नाप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। कटिंग के लिए दोस्तों जो मैंने ये सिल्क वाला फैब्रिक लिया हुआ है, ये वाला, ये होगा हमारा 5 मीटर, 5 मीटर कपड़ा है जिसमें से हम फुल घेर वाला गाउन तैयार करेंगे। और एक मैंने लिया हुआ है यहाँ पे अस्तर, ये होगा हमारा 1.5 मीटर का। और एक नीचे का अस्तर अलग से होता है, वो तकरीबन हमें 2.5 मीटर का चाहिए होता है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमें ऊपर की बॉडी कटिंग करनी है, क्योंकि हमें पहले बॉडी का डिजाइन बनाना है, फिर मैं आपको कली ज्वाइंट करके दिखाऊंगा। मैंने सिर्फ आपको फ्रंट का पूरा डिजाइन दिखाना है कि फ्रंट हम किस तरीके से तैयार करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने ऊपर की बॉडी की कटिंग के लिए अस्तर कटिंग करना है। तो यहाँ पे हमने अस्तर डबल फोल्ड करते हुए इस प्रकार सेट किया हुआ है ताकि हमारे दोनों पीस ऊपर नीचे के इकट्ठे कट जाएं, फ्रंट और बैक दोनों इकट्ठे कटिंग करने होते हैं। तो नीचे की साइड हम इस प्रकार से एक निशान लगा लेते हैं सीधा बिल्कुल, और यहां से हम बॉडी की लेंथ नापते हैं। बॉडी की लेंथ हमें यहाँ पे रखनी है 15.5 इंच, तो हम 1 इंच ज्यादा लेंगे, 16.5 इंच यहाँ पे नाप लेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे जो आर्म होल का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 7 इंच पे, 7 पे। इन निशानों को सीधा कर लेते हैं। अब साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगाएंगे। ब्रेस्ट का नाप 20 इंच है तो हम यहाँ पे 10 इंच पे लगाएंगे। कमर 17 इंच है तो 8.5 इंच पे लगाएंगे। अब यहाँ पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर यहाँ पे रखेंगे 12.5 इंच, क्योंकि बैक का गला 8.5 इंच है। एक निशान बाहर की साइड लगाएंगे 1.25 इंच के ऊपर। यहां से भी इस निशान को इस प्रकार मिलाएंगे और इस प्रकार की गोलाई देंगे। अब हमें यहां पे कटिंग करनी है, 1/2 इंच बढ़ा के कटिंग करते हैं। बाहर वाले निशान पे कटिंग करेंगे पहले। प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे ये कटिंग कर ली है फ्रंट की, फ्रंट और बैक की। नीचे की साइड हमारी बैक साइड है, ये ऊपर की साइड फ्रंट है, तो हम यहाँ पे फ्रंट के निशान पे भी कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट और बैक की कटिंग हो जाने के बाद अब हमें सेम चीज कटिंग करनी है अपने जो मेन फैब्रिक है सिल्क वाला, इसके ऊपर। अस्तर दोस्तों हमने ऊपर की साइड यहां पे इस तरीके से सेट कर लिया है। अब अस्तर के साथ साथ में हम मेन जो फैब्रिक है इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। इसी तरीके से इधर भी कटिंग करेंगे।
दोस्तों फ्रंट बैक की कटिंग के बाद अब हम फ्रंट का अस्तर अलग निकाल लेते हैं, बाकी मटेरियल अलग रख देते हैं। यहां से हमें देखना है अब कली कटिंग करनी है, तो कली कटिंग करने का सबसे सही तरीका मैं आपको बताऊंगा। यहां पे जैसे हमारी लेंथ है यहां पे 15.5 इंच तैयार रखनी है, तो हम यहां पे 1/2 इंच इस प्रकार से निशान लगाते हैं और 15.5 इंच ऊपर की साइड निकाल लेते हैं। इस तरीके से इस निशान पे हम 15.5 रखेंगे, क्योंकि ऊपर की साइड की हमारी ये बॉडी हो गई जो हमें यहाँ पे अटैच करनी है, और नीचे हम जितनी भी लेंथ होती है जैसे हमारी 55.5 है उससे हम तकरीबन यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो 55.5 यहाँ पे आ जाता है, फिर 1.5 इंच हम नीचे की साइड एक्स्ट्रा लेंगे इस प्रकार से। तो इस लेंथ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अब टोटल लेंथ देखेंगे। जैसे ये टोटल लेंथ हो गई हमारी यहाँ पे 43, तो इस साइड से ही 43 पे निशान लगाएंगे। इन निशानों को एक दूसरे से इस प्रकार से जोड़ेंगे, और इसकी यहां पे हम कटिंग करेंगे। बिल्कुल सीधी कटिंग कर ली है। अब हमने इसी पीस के ऊपर 3 पीस बिछाने हैं, या आप एक काम और कर सकते हो कि अलग अलग कटिंग कर सकते हो। जैसे एक पार्ट की हमने यहां पे एक कटिंग की है, फिर दोबारा फिर कटिंग करेंगे, फिर तीसरे पार्ट की फिर कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें 3 अर्ज वाले कपड़े इतनी लंबाई वाले चाहिएंगे जिनमें से हम कली कटिंग करेंगे। तो मैं आपको एक एक करके ही समझा देता हूं ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हमारा यहाँ पे एक कपड़ा बिछा हुआ है, तो यहाँ पे हमने एक साइड में 2.5 इंच पे निशान लगाना है इस प्रकार से। 2.5 इंच का निशान लगाने के बाद दूसरा जो निशान लगाना है हमें लगाना है 8.5 इंच पे इस प्रकार से, फिर हमें 2.5 इंच पे लगाना है, फिर आगे की साइड हमारा तकरीबन कपड़ा 8.5 इंच ही बचेगा, तो यहाँ पे हमारा लास्ट वाला निशान आ जाता है। तो यहां से इस साइड में हमने ये निशान कंप्लीट कर लिया, 1, 2, 3 और लास्ट वाला हमारा 4। अब हम इस साइड आ जाते हैं, यहां पे हमने फिर से निशान लगाना है 8.5 इंच पे। एक साइड हम करते हैं 2.5 इंच से शुरू, दूसरी साइड 8.5 से, फिर यहां पे 2.5 इंच पे आएगा निशान, फिर हमने 8.5 के बाद 2.5 पे, फिर यहां पे हमारा 8.5 इंच पे आएगा, फिर आगे की साइड जो कपड़ा बचेगा हमारा 2.5 इंच का बचेगा इस प्रकार। तो यहां पे हमने इन निशानों को एक दूसरे से जोड़ना है इस तरीके से, ऐसे ही। इस निशान को हम इस प्रकार कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम दूसरा निशान इस प्रकार जोड़ेंगे। अब हमने तीसरा निशान यहां पे इस प्रकार से जोड़ना है, सेम इस तरीके से ही। इस प्रकार से हमने ये सभी निशान कंप्लीट कर लिए हैं कलियों के। इन्हीं निशानों के ऊपर हम कटिंग कर लेते हैं। लास्ट वाले में हम बीच से कटिंग करेंगे इस प्रकार।
इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे ये कली कटिंग करी है, तो ये कली हमारी हो जाती है दो कली आएंगी, दो दो चार, दो छह, दो आठ, आठ कली अभी तक हमने कटिंग की है, लेकिन हमें यहाँ पे दो बार और कटिंग करनी है, मतलब आठ दुनी सोलह और तीन चौबीस, चौबीस कली हम यहाँ पे इस पूरे घेर में तैयार करेंगे। पूरा घेर जो होगा हमारा चौबीस कलियों वाला होगा, तो चौबीस कली कटिंग करने के लिए दो बार हम इस प्रकार कपड़ा बिछाते हैं और फिर से कटिंग करते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार हमने सभी कली कटिंग कर ली है, ये टोटल जो कली है हमारी ये है चौबीस, चौबीस कली वाला हमने यहाँ पे ये गाउन तैयार करना है, और जो आगे का कपड़ा बचता है सिर्फ हमारे पास ये बचेगा पांच मीटर में से, जिसमें से हमें बाजू की कटिंग करनी होती है, तो ये हमारा बाजू का अलग हो गया। अब 24 कलियों को हम 12 फ्रंट के लिए और 12 बैक साइड के लिए ज्वाइंट कर लेते हैं एक दूसरे में, इस प्रकार से, इस तरीके से एक के बाद एक, एक के बाद एक ज्वाइंट करते हैं, फिर मैं ज्वाइंट करके आपको दिखाऊंगा ऊपर का डिजाइन हम किस तरीके से तैयार करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने इस प्रकार से सभी कलियां ज्वाइंट कर लिए हैं फ्रंट के लिए, जो हम मैंने बताया था आपको 12 कली बैक साइड के लिए और 12 फ्रंट के लिए, तो यहाँ पे हमने 12 कली ज्वाइंट किए हैं, जिसमें हमारा काफी खुला घेर फ्रंट का आ जाता है। इसी तरीके से हम बैक साइड की भी करते हैं, मैंने फ्रंट की इसलिए की है क्योंकि मैंने आपको फ्रंट का डिजाइन तैयार करके दिखाना है। अब हमें यहाँ पे ऊपर का डिजाइन तैयार करना है, जो चोली वाला डिजाइन है वो तैयार करना है। उसको तैयार करने के लिए हम यहाँ पे फ्रंट लेंगे इस प्रकार से, इसको रखते हैं हम यहाँ पे, इसे देख लेते हैं कि ये हमारा प्रॉपर बराबर है या नहीं, तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक आएगा ये, क्योंकि जो वेस्ट का साइज है हमारा साढ़े सतारह इंच है, सतारह इंच है, तो यहाँ पे साढ़े आठ इंच पे हमारी सभी कलियां कंप्लीट आती हैं इस तरीके से। बैक साइड के लिए भी हम सेम इसी तरीके से तैयार करते हैं। अब हमें यहाँ पे डिजाइन कटिंग करने के लिए बुकरम लेनी है, जिसमें से हम गले की और नीचे का जो ये डिजाइन है इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमने ये बुकरम ली है, जिसमें से हमें गले की कटिंग करनी है। गला हमें यहाँ पे ब्रॉड रखना है तकरीबन छह इंच का, तो हम यहाँ पे तीन इंच पे निशान लगाते हैं, और आगे की साइड जो हमारी एक साइड की बुकरम होगी तकरीबन दो से ढाई इंच की एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे हम डीप लेंथ का निशान लगाएंगे साढ़े सात इंच इस प्रकार से, और यहाँ पे राउंड शेप देते हुए इस तरीके से निशान को कम्प्लीट करेंगे। अब हमें बाहर की साइड एक निशान लगाना है तकरीबन डेढ़ इंच का, तो डेढ़ डेढ़ इंच पे ही हम यहाँ पे ये निशान कंप्लीट करते हैं। इस निशान को भी हम इसी तरीके से एक दूसरे से मिलाते हुए यहाँ पे कंप्लीट करते हैं ऐसे। अब हम इस पीस को ओपन कर लेते हैं, बुकरम वाले पीस को इस तरीके से, यहाँ पे इसी सेंटर में फोल्ड करेंगे। इस साइड भी हमारे यहाँ पे निशान आ जाते हैं इस प्रकार से। अब हमें इस निशान को आगे की साइड लेके जाना है इस प्रकार से, हमने अंगरखा स्टाइल बनाना है। और यहां से हम इस तरीके से नीचे की साइड लेंगे ऐसे। अब इस निशान को भी हम ऊपर वाले निशान को भी सेम गैप रखते हुए आगे की साइड लेके जाएंगे, और यहाँ पे भी जैसे हमारा डेढ़ इंच है गैप, तो डेढ़ इंच रखते हुए नीचे तक कंप्लीट करेंगे इस प्रकार से ऐसे। अब हम यहाँ पे फ्रंट के ऊपर रख के देखेंगे यहाँ पे कि ये सेव हमारी यहाँ पे ठीक है या कोई इसमें फर्क तो नहीं है। फ्रंट को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे हम रख के देखते हैं सेंटर में इस प्रकार से, तो यहां तक हमारा बिल्कुल परफेक्ट नाप आएगा। अब हमें ये बीच वाला गैप अलग से पट्टी कटिंग करनी है, आप देखते जाओगे कैसे कैसे मैं यहां पे कटिंग करता हूं।
प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। यहाँ पे हमें बाहर की साइड आधा आधा इंच का मार्जिन लेना है इस प्रकार से, और कटिंग कर लेनी है। एक साइड की अंगरखा स्टाइल में हमने यहाँ पे ये कटिंग की है। यहाँ पे जो ये पट्टी आएगी ये आएगी हमारी, जो मैंने दूसरा फैब्रिक दिखाया था आपको ये कलर वाला, इस कलर की आएगी ये वाली पट्टी हमारी। अब हमें इस साइड की कटिंग करनी है, इस साइड में यहाँ पे कटिंग करेंगे। और यहां पे भी हम आधा आधा इंच का गैप रखते हुए इस प्रकार से यहां पे भी कटिंग कर लेते हैं। एक साइड का हमारा यहाँ पे ये कटिंग हुई है, एक साइड की ये कटिंग हुई है। इस तरीके का हमारा यहाँ पे ये डिजाइन आएगा इस प्रकार से। अब दोस्तों हमें यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना है, बीच वाला जो हमारा ये पीस है जो हमने यहाँ से कटिंग किया है, इसको अभी हमने गिराना नहीं है, फेंकना नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे जब हम ज्वाइंट करेंगे ये कमीज के फ्रंट में, जो हमारे पास ये फ्रंट है इसमें जब ज्वाइंट करेंगे तो हमें इस पीस की जरूरत पड़ेगी। अब हमें यहाँ पे पेस्ट कर लेने हैं ये दोनों पीस, एक ये वाला और एक ये वाला। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिए हैं दोनों पीस, और जो अंगरखा स्टाइल आएगा हमारा इस तरीके से आएगा, और इसमें ही हम डिजाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम फ्रंट के ऊपर तैयार कर लेते हैं, फिर आगे का डिजाइन देखेंगे किस तरीके से तैयार करते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमें अस्तर ज्वाइंट करना है, जो हमने अस्तर कटिंग किया था। पूरे फ्रंट में इसी प्रकार से अस्तर ज्वाइंट करते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे अस्तर ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें गला तैयार करना है, तो गले का जो बाहर वाला कपड़ा होता है इसको हम इस प्रकार से फोल्ड कर लेते हैं। सभी जगह से सेम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से हमने ये बाहर का कपड़ा फोल्ड कर लिया है बुकरम के ऊपर। अब इस प्रकार से जो हमने बीच वाला पीस यहाँ से कटिंग किया था, निकाला था, इसको यहाँ पे इस तरीके से रखते हैं और सेंटर पॉइंट बना लेते हैं एक साइड ऐसे, क्योंकि इस साइड पट्टी आएगी तो सेंटर पॉइंट हमें इस साइड से बनाना है ये पीस रखते हुए। अब हम यहाँ पे इसको फ्रंट के ऊपर अटैच करेंगे। यहाँ पे हमने सेंटर पॉइंट बना लिया है, नीचे की साइड भी निशान लगा लेते हैं। अब हम बुकरम के साथ साथ यहाँ पे सिलाई लगाएंगे।
प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे गला अटैच कर लिया है। अब हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए कटिंग करनी है इस प्रकार। जहां जहां पे गोलाई आती है वहां पे हम कट लगाते हैं और जहां पे नोक आती है वहां पे इस प्रकार से कट लगाते हैं। इस तरीके से दोनों पीसों को अंदर की साइड यहाँ पे फोल्ड कर लेते हैं। तो दोस्तों पलटने के बाद इस प्रकार से हमारी दोनों साइड की सेप इस प्रकार से आएगी। अब हमें बीच की डिजाइनिंग यहाँ पे कंप्लीट करनी है। तो इस डिजाइनिंग को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था ये कपड़ा लेना है। इस कपड़े को हम इस प्रकार से यहाँ पे ऊपर की साइड जो बीच वाला हमारा एक पैटर्न यहाँ पे बचा था तो ये हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे ऐसे, और इस प्रकार रखते हुए यहाँ पे इसमें हम निशान लगा लेते हैं दोनों साइड। इस तरीके से हमने ये निशान लगाया है। इसकी बाहर की साइड हम एक एक इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने ये पट्टी कटिंग कर ली है जो कि हमारी यहाँ पे इस तरीके से आती है दोनों साइड में ऐसे। इस प्रकार से आएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसमें डिजाइनिंग डालनी है। तो इसमें डिजाइनिंग के लिए हम नीचे की साइड पेपर पेस्टिंग पेस्ट कर लेते हैं इस साइड पे। इस प्रकार दोस्तों हमने पेपर पेस्टिंग पेस्ट कर ली है। अब हमें यहाँ पे निशान लगाने हैं क्योंकि हमें गोटा लगाना है। तो गोटे के लिए सबसे पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम जोड़ते हैं जो नोक वाला होगा, और यहाँ पे पौना पौना इंच के इस प्रकार से निशान लगा लेते हैं। इसी तरीके से हम आगे की साइड भी निशान लगाते हुए यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आप चाहे तो बिना निशानों के भी यहाँ पे आराम से हल्का हल्का गैप रखते हुए इस पीस को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो हमने निशान लगाए हैं हर निशान के ऊपर हमें इस तरीके से गोटा लगाना है यहाँ पे। पूरी पट्टी में हम इसी प्रकार गोटा कंप्लीट कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे गोटा पट्टी अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हमें यहाँ पे दोनों साइड इस तरीके से पीस रखने हैं इस प्रकार से जो हमने निशान लगाया था निशान के साथ साथ में, और यहाँ पे गैप भी हमारा डेढ़ इंच का आना चाहिए बीच में क्योंकि हमने डेढ़ इंच का ही गैप यहाँ पे कटिंग किया था इस प्रकार से। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है इस तरीके से, और आगे की साइड इस निशान को इस प्रकार से हम यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे, और इस निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। इतना पीस हमें यहाँ पे तैयार करना है। यहाँ पे दोस्तों हम एक पट्टी इसी शेप में कटिंग करते हैं इस प्रकार से, और इस पट्टी को यहाँ पे ऊपर की साइड रखेंगे इस तरीके से। ये अस्तर वाला कपड़ा होगा हमारा।
अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। जो हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है ये इसलिए लगाई जाती है ताकि हमें यहाँ पे सिलाई लगाने में पता लग जाए कि हमें कहाँ पे सिलाई लगानी होती है। इस प्रकार से एक पैर का मार्जिन रखेंगे और एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे कपड़े की। यहाँ पे कट लगाएंगे जहां पे नोक आएगी और गोलाई में इस प्रकार से हल्के हल्के कट लगाएंगे। अब हम इस तरीके से इसको अंदर की साइड पलट लेंगे। अंदर पलटते हुए इसको प्रेस से अच्छे से सेट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार अंदर की साइड हमने अस्तर पलट लिया है तो नीचे की साइड हमारी इस प्रकार से फिनिशिंग आ जाएगी। अब हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है अस्तर वाला इसको हम कटिंग कर लेते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार दोस्तों अब हमें यहाँ पे अटैच करना है इस तरीके से। इस पॉइंट को हम यहाँ पे इसीलिए तैयार किया था कि दूसरी साइड भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। अब हमें सबसे पहले अटैच करने से पहले यहाँ पे जो हमने लेस दिखाई थी आपको ये यहाँ पे अटैच करनी है इस प्रकार से नीचे की साइड। एक साइड जैसे हमने यहाँ पे लेस कंप्लीट की है दूसरी साइड के पीस में भी हम सेम तरीके से लेस को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार हमने दूसरी साइड भी लेस अटैच कर ली है। अब इसको हम इस तरीके से रखते हैं यहाँ पे और बराबर गैप रखते हुए अटैच करते हैं। साइड अटैच करने के बाद अब हम दूसरी साइड भी यहाँ पे दूसरी साइड का पीस अटैच करेंगे सेम इसी तरीके से जैसे हमने ये किया है।
नमस्कार दोस्तों, हमने चोली का डिजाइन बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे ये कंप्लीट किया है। अब नीचे की साइड जो कली होती है, कलियों को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार हमने कलियां ज्वाइंट कर ली है नीचे की साइड, और यहाँ पे हमने एक डोरी लगाई है बहुत ही खूबसूरत तरीके से, और आगे की साइड हमने इस प्रकार के इसी कपड़े के बनाते हुए ये हल्के हल्के इस तरीके से डिजाइन कंप्लीट किया हुआ है। बहुत सुंदर सा हमने यहाँ पे डिजाइन कंप्लीट किया है। इस डिजाइन को मैं पूरा दिखाऊंगा आपको कलियों के साथ काउंटर टेबल पे फैलाते हुए। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे पूरा फ्रंट इस तरीके से बिछाया हुआ है, और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हमने बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे डिजाइन तैयार किया है। दोस्तों ये हमारी कली हो गई नीचे की साइड, और कली का घेरा आप देखोगे तो हमारी जैसे 12 कली फ्रंट में है और 12 कली हमने बैक साइड में ज्वाइंट करनी है। नीचे की साइड हमें अस्तर ज्वाइंट करना होता है कलियों के नीचे, और फिर इसको जैसे हमने फ्रंट तैयार किया है सेम उसी तरीके से बैक साइड तैयार करनी है। बस बैक साइड में सिर्फ हमारा यहाँ पे डिजाइन नहीं रहेगा, सिंपल राउंड नेक रहेगा। इस तरीके से हम फुल लेंथ वाला ये गाउन कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सुंदर सा ये डिजाइन है दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।